हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम ऑटोक्लेव के प्रिंसिपल और वर्किंग को डिस्कस करेंगे जो कि हम मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। ऑटोक्लेव को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टरलाइजेशन क्या होता है। स्टरलाइजेशन इज़ ए टर्म रेफरिंग टू एनी प्रोसेस दैट किल रिमूव्स ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, स्पोर्स प्रेजेंट ऑन ए सर्फेस कंटेंड इन ए फ्लूड और इन ए कंपाउंड सच एज बायोलॉजिकल कल्चर मीडिया। स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे किसी भी सैम्पल, स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट में जो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस प्रेजेंट होते हैं उनको किल करते हैं। स्टरलाइजेशन कैन बी अचीव्ड बाई अप्लाइंग हीट, केमिकल, वेपर प्रेशर एंड डिसइंफेक्टेंट। स्टरलाइजेशन प्रोसेस थ्री टाइप्स के होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल। फिजिकल मेथड में ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, रेडिएशन का यूज़ करते हैं। उसी तरह से मैकेमिकल मेथड में गैसेस और डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं और मैकेनिकल मेथड में बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर का यूज़ करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ऑटोक्लेव को। ऑटोक्लेव इज़ ए प्रेशराइज डिवाइस डिजाइन टू हीट एक्वस सॉल्यूशन अबव देयर बॉइलिंग पॉइंट एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू अचीव स्टरलाइजेशन। ऑटोक्लेव एक मॉडिफाइड प्रेशर कुकर को रिजेंबल करता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हीट लॉस एज कम्पेयर टू ड्राई हीट कम होता है, क्योंकि ये क्लोज्ड वेसल्स होते हैं। तो जब हम इस पे हीट अप्लाई करते हैं तो वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाती है और ये ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और प्रोटीन का प्रिसिपिटेशन हो जाता है। अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ऑटोक्लेव ऐसे हैवी मेटल्स या एल्युमिनियम के बने होते हैं जो प्रेशर पे विथस्टैंड कर सके, क्योंकि ऑटोक्लेव में हाई प्रेशर जनरेट होता है। सबसे पहले एक स्टैंड होगा जिस पे ऑटोक्लेव स्टेशनरी पोजीशन पे स्टैंड होता है और इस पे एक इनर जैकेट और एक आउटर जैकेट होती है। इनर जैकेट वाटर के कॉन्टैक्ट में होगा, इसलिए ये ऐसे मटेरियल का बना हो जिससे कोरोजन कॉज ना हो। इंटरनल पार्ट में एक ट्रे होता है जिस पे हम ऑब्जेक्ट को स्टराइल होने के लिए रखते हैं। और दूसरी चीज़, हमें ये पता चलती है कि हमें वाटर का लेवल कितना रखना है। अगर ट्रे से वाटर का लेवल ज़्यादा रखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगता है और प्रेशर जनरेट होने के लिए हमें प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता। दूसरी चीज़, हमें ये ध्यान देना चाहिए जिस भी ऑब्जेक्ट को